दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब हम अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर पल पल के हालातों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे सैनिक हिंद महासागर में पाकिस्तान को भगाने पर लगे हुए थे। हम आपको बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक और 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी नौसेना समुद्र में एक बड़ा साजिश रचने वाला था। न सिर्फ रचने वाला था, बल्कि पाकिस्तानी नौसेना भारत के समुद्री जल क्षेत्र में भी घुस आया था। लेकिन तभी एक भारतीय नौसैनिक ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से पाकिस्तानी नौसेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, और अब हमारे इस नौजवान को नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान आखिर कौन सी चाल चल रहा था और भारत को इससे कितना नुकसान हो सकता था। इसके अलावा इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय नौसेना के इस जवान ने ऐसा क्या किया जिससे पाकिस्तान को नाको चने चबाना पड़ा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के इस रियल हीरो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों असल में यही रियल हीरो होते हैं। जो फिल्मों में अभिनय करते हैं वो तो केवल अभिनय ही करते हैं, मगर असल मायने में अपनी जान की बाजी लगाकर यही वो लोग होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं, और बाद में इन्हीं के कहानियों को फिल्मों में दिखाया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असल में यही सच्चे हीरो होते हैं। तो आप इस सच्चे हीरो की कहानी और बहादुरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। इस भारतीय नौसैनिक का नाम है कमोडोर ज्योतिन रैना। पुलवामा हमले के बाद से ही देश की सभी सीमाओं पर भारतीय जवानों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया था। कमोडोर ज्योतिन रैना भी पश्चिमी बेड़े यानी वेस्टर्न फ्लीट्स के सभी जवानों के साथ सतर्क थे। उस समय कमोडोर ज्योतिन रैना पश्चिमी बेड़े के फ्लीट्स ऑपरेशन ऑफिसर थे। कमोडोर ज्योतिन रैना ने नौसेना के टोही विमान से यह पता लगाया कि भारतीय सीमा के आसपास दुश्मन का कोई जहाज या पनडुब्बी तो नहीं है। साथ ही वह रडार सिस्टम द्वारा भी समुद्री सीमाओं को खंगालने लगे और यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि कहीं दुश्मन हमारे क्षेत्र में तो नहीं आ गया है। जैसे ही उन्हें रडार पर यह जानकारी मिली कि भारतीय समुद्री सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है, जैसे ही उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के पनडुब्बी भारतीय सीमा के आसपास है, वो तत्काल एक्शन में आ गए। कमोडोर ज्योतिन रैना ने पश्चिमी बेड़े के भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तुरंत रवाना कर दिया। उनका आदेश मिलते ही पश्चिमी बेड़े के जंगी युद्धपोत और पनडुब्बियां पाकिस्तानी पनडुब्बी को भगाने के लिए रवाना हो गई। बेहद कम समय में ही इन जहाजों और पनडुब्बियों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी को तीन तरफ से घेर लिया। पाकिस्तानी पनडुब्बी और पाकिस्तानी नौसेना को इतना मौका भी नहीं मिला कि वह कुछ सोच सके। अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता था और वो था भागने का, और ऐसे भी पाकिस्तान भागने में बड़ा एक्सपर्ट है। पाकिस्तानी पनडुब्बी ने जैसे ही खुद को घिरते हुए देखा, वह दुम दबाकर पीछे की ओर भाग गई। पूरे देश को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उस समय हमारे नौसैनिक देश की रक्षा के लिए समुद्र में भी पाकिस्तान के सामने लोहे की दीवार बनकर तैनात हो गए थे, और हमारे नौसैनिकों ने कमोडोर ज्योतिन रैना की रणनीति और सूझबूझ से दिए गए आदेश का पालन करते हुए पाकिस्तानी पनडुब्बी को भगाने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, हमारे रियल हीरोज के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहता हूं और हर छोटी मोटी अपडेट देता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।